हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डीडीके किचन्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस रेसिपी लेके आया हूँ, जो है खजूर के लड्डू। तो चलिए अब जानते हैं कि इस लड्डू को कैसे हम बना सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ अपने किचन की ओर। अब मैं आ गया हूँ अपने किचन में। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए डेट्स, खजूर जिसके सीड्स मैंने निकाल लिए हैं। 200 ग्राम डेट्स लिया है यहाँ पे, बादाम, आलमंड्स लगभग 100 ग्राम है, काजू भी सेम क्वांटिटी 100 ग्राम है, और 3 से 4 इलायची, 2 टेबल स्पून घी। अगर आप लोगों को और अलग ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये खजूर का लड्डू बनने वाला है तो खजूर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें बादाम और काजू या और भी जो ड्राई फ्रूट यूज करना चाहते हैं आप लोग, उसे इससे कम मात्रा में लें। तो चलिए अब जल्दी जल्दी इसे बनाते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि हमें डेट्स ज़्यादा मात्रा में इसीलिए लेना है क्योंकि ये जब हम लोग लड्डू बनाते हैं तो वो गोल गोल बाइंडिंग होना चाहिए। अगर हम लोग दूसरे ड्राई फ्रूट्स अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो अच्छे से बांधे नहीं जाएंगे, लड्डू गोल नहीं बनेगा और वो टूट जाएंगे, इसीलिए डेट्स हमें ज़्यादा लेना है। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है, हमें बादाम ले लेना है छोटे मिक्सर ग्राइंडर में, और इसे ज्यादा पीसना नहीं है, बस हल्का सा क्रश करना है। देखिए यहां पे मैंने क्रश कर लिया है, इसके जो बड़े टुकड़े हैं हमारे मुंह में जब आएंगे तो बहुत ही खाने में अच्छा लगेगा, इसीलिए इसे ज्यादा पाउडर के जैसा नहीं बनाना है। अगर कुछ बड़े टुकड़े बच जाते हैं तो इसे छुरी से आप लोग कट कर लें। इसी तरह से काजू को भी हल्का दरदरा पीस लें। उसी तरह से मैंने यहां डेट्स ले लिए हैं। अब इसे बिना पानी का पेस्ट बनाना है, पेस्ट के जैसा पीस लेना है। डेट्स थोड़ा सा पीसने के बाद इसी में इलायची मिक्स कर दें ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से डेट्स में मिल जाए। यहाँ पे खजूर का पेस्ट बना लिया है मैंने, और बादाम को दरदरा पीस लिया है, काजू भी वैसा ही पीस लिया है। तो चलिए अब फटाफट लड्डू का तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जो प्री हीट है, और फ्लेम में पैन गर्म होने के बाद 1 टेबल स्पून घी ले लें। घी हल्का गर्म होने दें। घी अब गर्म हो चुका है, अब इसमें पहले हमें डालना है खजूर का पेस्ट। ये पीसने के बाद हल्का कड़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग इसे हल्के हाथों से पैन पर ले लें। ये हल्का हल्का चिपक जाता है आपके स्पून में, इसीलिए इसे वैसे ही थोड़ा थोड़ा घी के साथ मिलाएं। इसे ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, ध्यान रखें आप लोग, इसे अच्छे से मिला लेना है इस तरह से। इसे प्रेस करते हुए लो फ्लेम में ही पकाएं, और ध्यान रहे यहाँ पे हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसे हम कुछ दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, पानी मिलाने से उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, और ड्राई फ्रूट का जो लड्डू भी है वो भी हमें टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। लगभग 1 मिनट तक इसे घी में अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। अब हमारा खजूर जो है मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम लोग बादाम और काजू का जो पीस के रखा था दरदरा, उसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हल्का हल्का काजू और बादाम के दरदरे पाउडर के साथ मिलाते रहें। ये पैन में अभी मिक्स नहीं हो रहा है, इसके लिए चिंता ना करें। इसे पैन से उतारने के बाद हम लोग हाथ से बिल्कुल अच्छी तरीका से मिलाकर
इसका लड्डू बनाएंगे। यहाँ पे बादाम और काजू हमने कम ही लिया था, फिर भी देखिए पीसने के बाद इसका थोड़ा क्वांटिटी बढ़ गया है, क्योंकि अभी जो खजूर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम लोग गैस स्टोव बंद कर लेते हैं और गैस स्टोव बंद करके इसे मिक्स करेंगे। अब इसे मैंने गैस स्टोव से उतार लिया है, इसे एक मिनट तक हल्का ठंडा होने दे, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर लड्डू अच्छे से बंधेगा नहीं। इसे हल्का हल्का थोड़े देर के लिए ठंडा होने दे। अब इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। अभी ये हल्का गर्म ही है, इसे मैंने दूसरे प्लेट में ले लिया है। ध्यान रखिए जब हल्का हल्का गर्म ही रहेगा तभी इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मेरा हाथ भी थोड़ा अभी जल रहा है तो इससे पता चलेगा आप लोगों को कि ये थोड़ा गर्म ही है अभी। इसे थोड़ा इसी तरह से पेशेंस रख के मिक्स करना पड़ता है, तभी हमारा जो लड्डू है वो अच्छे से बनता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है इसे। अब एक दूसरे प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लेना है। और हाथों में भी घी लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेने हैं। चलिए इसी तरह मैं और भी लड्डू बना लेता हूं। यहां हमारे खजूर के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप लोग किसी भी स्टील के कंटेनर में या शीशे के कंटेनर में, ग्लासवेयर में, बॉटल्स में आप लोग इसे स्टोर करके रख सकते हैं। लगभग 10 से 15 दिन तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। और अगर इसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखें ये महीने भर भी रहेगा। अगर सुबह सुबह बच्चे नाश्ते के लिए मना करते हैं तो आप लोग ये दो लड्डू खिला के एक गिलास दूध पिला दीजिए, आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा कि हमारे बच्चों को नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि ये न्यूट्रिशियन से भरा हुआ है, बहुत ही हेल्दी है। ये दो लड्डू खा के और एक गिलास दूध पी के बच्चे बिल्कुल मजे में रहेंगे। और एक टिप भी मैं बताना चाहता हूँ, खजूर पीसते समय क्या होता है कि ये थोड़ा सा स्टिकी रहता है, इसीलिए ये देखिए किनारों में, मिक्सर के किनारों में चिपक गया है। तो यहाँ पे मैंने इसे दूध में थोड़े देर के लिए सोक कर लिया है। अब इसे एक बार और मिक्स करके ये भी बच्चों को पीने में बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पे जो खजूर था वो मिक्स हो चुका है बादाम के साथ और ये खजूर के साथ, मिल्क के साथ मिक्स हो गया है। अब इसमें अगर पाउडर बचा हुआ है तो काजू और बादाम का पाउडर मिलाकर और थोड़ा सा चीनी मिलाकर आप लोग अपने छोटे बच्चों को दे सकते हैं या आप लोग भी पी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये हमारा मिल्क, खजूर मिल्क बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। अगर ये आप लोग बच्चों को पीने के लिए दे रहे हैं तो एक बार जरूर इसे बॉइल करके उन्हें दे, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन प्रेस बेल आइकॉन।